अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमली ब्लॉग्स विद अदिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश है, खैरियत से है और अपने अपने घरों में आबाद है। अभी शाम का टाइम है, 4:30 बज चुके हैं। बस थोड़ी देर में असर की नमाज़ का टाइम भी हो जाएगा, तो पहले मैं यहाँ पर पूरे घर का झाड़ू लगा रही हूँ। तो बेडरूम और किचन हो गया मेरा, दो बेडरूम्स और किचन दो भी मैंने झाड़ू लगा लिए है। बस अभी हॉल रह गया था, तो अभी ये भी हो जाएगा। तो पहले पूरे घर का झाड़ू लगा रही हूँ, फिर बाद में मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली जाऊँगी। तो अभी तक यहाँ पर ना बच्चे खेल रहे थे, तो सुहाना कुछ बना रही थी पेपर से, तो अयान भी साथ में थे, तो थोड़ा बहुत कचरा हो गया था घर में। सब कुछ ये दोनों मिलकर ना फैला कर रख दिए थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले झाड़ लेंगे, फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली जाऊँगी। अभी मैं असर के नमाज़ पढ़ने के बाद आ गई हूँ किचन में इफ़ार के लिए। अभी मैं यहाँ पर पपीता काट रही हूँ, तो पपीता और साथ में तरबूज काटूँगी, तरबूज खा लूँगी। तो तरबूज तो ऑलरेडी मैंने दोपहर में ही काट लिया था, क्योंकि बच्चों को खाना था इसलिए, तो तभी मैंने काट के फ्रिज में रख दिया है। बस अभी ये एक ही रह गया था, तो इसे भी मैं काट लूँगी। और ज़्यादा कुछ भी नहीं बना रही हूँ स्नैक्स, तो ऑलरेडी घर में बहुत सारे स्नैक्स रखे हुए हैं थे बच्चों के लिए। तो आजकल हमारे यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है स्ट्रिक्ट, तो थोड़े बहुत स्नैक्स बच्चों के लिए लेकर आ गए थे, तो वही बहुत सारे रखे हुए थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, उसी से बच्चे उसी स्नैक्स को बच्चे खा लेंगे मेरे साथ इफ्तार में। बस अभी मैं फ्रूट से ही अपना इफ्तार कर लूँगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी है, तो वो भी अपना इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी वो मस्जिद पर चले जाएंगे इफ्तार करने के लिए। और हमारे यहाँ पर ना अभी मस्जिद खुले हुए है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड वहाँ पर ही जाकर अपना इफ्तार और पांच वक्त की नमाज़ अदा कर लेते हैं मस्जिद में ही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमली ब्लॉग्स विद अदिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश हैं, खैरियत से हैं और अल्लाह ताला हम सबको तंदुरुस्ती अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी मेरा इफ्तार हो चुका है और मगरिब की नमाज़ भी मैंने पढ़ लिया है। बस अभी मुझे किचन में जाना है बच्चों के लिए नाश्ता बनाने। तो आज बच्चों के लिए मैं माश की रोटी बना रही हूँ नाश्ते में, तो पहले उनको खिला दूँगी, फिर उसके बाद मुझे कल की सहरी की भी तैयारी करनी है। तो सहरी में आज बन रहा है दाल चावल और चिकन फ्राई। तो खाना अभी नहीं पकाऊंगी, सहरी में ही मैं गरम गरम पका लूँगी। बस अभी मैं दाल और चिकन फ्राई बनाऊँगी। तो चिकन तो पहले ही घर में रखा हुआ है, तो उसी का भी मैं फ्राई बना के रख दूँगी। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, दाल चावल और चिकन फ्राई, हमको तो बहुत पसंद है। हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है दाल के साथ चिकन फ्राई। तो बस अभी मेरा फ़िलहाल यही काम है और फिर उसके बाद मैं इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए चली जाऊंगी। और आजकल ना हमारे यहाँ पर ना और भी स्ट्रिक्ट हो गया है लॉकडाउन, पहले भी था या
पहले बस उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, अब तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। बस अभी 12 बजे के अंदर सब शॉप्स क्लोज हो जाते हैं यहाँ पर, और फिर कल सुबह तक ना कुछ भी शॉप्स अवेलेबल नहीं होंगे। और 144 सेक्शन भी कर दिया गया है और कर्फ्यू भी लग चुकी है, तो बहुत ही सख्त लॉकडाउन लग चुका है हमारे यहाँ पर। और ये लॉकडाउन ना हमारे यहाँ पर मई 15 तारीख तक ऐसे ही चलता रहेगा, तो फिर उसके बाद पता नहीं फिर और सख्त करेंगे या फिर कुछ भी पता नहीं अभी तो फिलहाल। और दोपहर के 12 बजे से कल सुबह के 6 बजे तक ना ऐसे ही डेली सब कुछ बंद रहेगा, और जो भी हमें लेना है बस 6 बजे से, सुबह के 6 बजे से 12 बजे के अंदर ही हमें कुछ भी ख़रीदारी, कुछ भी ज़रूरत के सामान लेना हो तो बस इसी टाइम में हमें लेना है। तो फिलहाल अभी ऐसा चल रहा है हमारे आंध्र प्रदेश में, तो बस अल्लाह से यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे और जल्द से जल्द इस बीमारी को अल्लाह ताला इस दुनिया से मिटा दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, अभी मुझे खाना भी बनाना है, बहुत टाइम हो रहा है और ईशा का टाइम भी होने वाला है, तो उससे पहले मुझे अभी सारे काम पूरे करने हैं, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी मैं आ गई हूँ किचन में सहरी की तैयारी के लिए, तो यहाँ पर अभी मैं टमाटे की दाल बना रही हूँ और साथ में चिकन फ्राई बनेगा। और यहाँ पर आयान और सुहाना दोनों खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो जितनी देर वो दोनों खेल लेते हैं तब तक मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी से कर लूँगी। पहले मैं यहाँ पर दाल चढ़ा दूँगी तो दाल बनती रहेगी, फिर उसके बाद मैं बच्चों के लिए नाश्ता भी डाल कर खिला दूँगी। अभी मैं यहाँ पर चिकन फ्राई के लिए चिकन में डाल लिया है करीब 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में हम डाल लेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से अब हम इसे मैरिनेट करेंगे, और एक 10 से 15 मिनट्स के लिए मैं ऐसे ही बाजू को रख दूँगी। कढ़ाई मैंने चढ़ा लिया है, तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका था, तो अभी मैं इसमें चिकन को ऐड कर दिया है। चिकन को मैंने ज़्यादा नहीं मिक्स कर रही हूँ, बस हल्के से अरेंज कर रही हूँ अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद मैं इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। तो इसमें बहुत सारा पानी छूटता है, तो पानी पूरा अच्छी तरह से सूखने तक हम इसे ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। तो चिकन तो बन रहा है और साथ में दाल भी गल गई थी, तो मैं यहाँ पर तड़का लगाना शुरू कर दिया है। तो पहले दाल को बघार लूँगी, तो उसमें मैंने तेल में ऐड कर दिया है राया, ज़ीरा और 4 लहसुन के कलियाँ मैंने लिए हैं, तो इसे मैं बारीक कट करके डाल रही हूँ। अच्छे गोल्डन कलर आने के बाद मैं इसमें करी पत्ता डाल दूँगी, फिर उसके बाद हम दाल को इसमें मिक्स कर लेंगे।
तो अभी आप देख सकते हैं फाइनली हमारे टमाटर दाल बनके तैयार है। और यहाँ पर चिकन भी हम एक बार चेक कर लेंगे, तो चिकन में बहुत सारा पानी निकला हुआ है, तो ये पानी पूरा अच्छी तरह से सूखना है, तो इसी पानी से चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगा। तो पानी अच्छी तरह सूखने तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। अभी 10 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे, तो पानी पूरा अच्छी तरह से सूख चुका है और चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और चिकन भी अच्छी तरह से गल भी गया है। तो बस अभी मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और बस बन गया आज का हमारा चिकन फ्राई। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही अच्छा लगेगा, बच्चे भी अच्छी तरह से खा लेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे बर्तन हो गए थे सहरी इफ्तार के बाद और सहरी की तैयारी में, तो मैंने सारे बर्तन धोकर रख लिए हैं। बस ये था आज का मेरा व्लॉग, और आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ और कल मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।